झालरापाटन के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के गरोठ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध किसान की मौत हो गई, जबकि दो जन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक वृद्ध की हालत गंभीर होने के कारण उसे कोटा रेफर कर दिया गया है, जबकि एक युवक का उपचार झालावाड़ के ही अस्पताल में जारी है। घटना में हताहत तीनों झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के झटका गादिया गांव के रहने वाले हैं। झालावाड़ अस्पताल चौकी पुलिस ने आज सुबह मृतक श्यामलाल 58 वर्ष पुत्र रामचंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अस्पताल चौकी पुलिस प्रभारी महेंद्र मीणा ने बताया कि झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के झटकाल गादिया गांव के रहने वाले किसान श्यामलाल 58 वर्ष पुत्र रामचंद्र और घनश्याम 60 वर्ष पुत्र जानकी लाल अपनी अश्वगंधा की फसल बेचने के लिए गांव के ही रहने वाले दुर्गा लाल 33 वर्ष पुत्र हीरा लाल के लोडिंग को किराए से लेकर मध्य प्रदेश की नीमच मंडी गए हुए थे। 22 जून गुरुवार शाम 6 बजे करीब तीनों लोडिंग वाहन से नीमच के लिए रवाना हुए। 23 जून शुक्रवार सुबह 7 बजे करीब तीनों नीमच मंडी पहुंचे और दोपहर 3 बजे तक मंडी में माल बेचा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।